कोई भी आइडिया और कोई भी कहानी जब तक उसमें सही लोगों की मेहनत और मशक्कत नहीं लगती है तब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और मैं यहाँ बैठने के अकेले हकदार नहीं हूँ, बाकी सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कास्टिंग क्रू, उनके सपोर्ट से यहाँ पे मैं बैठ पाया हूँ और यहाँ तक आ पाया हूँ। और लास्ट शॉर्ट फिल्म रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट लास्ट शॉर्ट फिल्म जो मेरे जैसे मतलब फर्स्ट टाइमर शॉर्ट फिल्म मेकर को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और फिल्म अभी आज 7 बजे वहाँ पे आ गई है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी प्रेम को इस फिल्म में हमें इन्वॉल्व करने के लिए। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग बात थी कि इसमें पीयूष जी थे, तो मुझे बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं हो रही थी कि मुझे फिल्म करनी है या नहीं करनी है। मुझे बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं इनके साथ काम करूं। नए डायरेक्टर्स और यंगस्टर्स इस तरह के लोग जो भी हैं नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। आइडियाज़ छोटे होते हैं लेकिन यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आपको उनको करने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि आप सबको फिल्म पसंद आई होगी। अच्छा है ना, बढ़िया बढ़िया बन रहा है। बड़े कंटेंट को लेकर छोटी फिल्म बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब ये 15 मिनट के अंदर उस कंटेंट को स्टैब्लिश करना, उसको सीप इन करना, उसको ग्रो करना, उसको एक्सप्लोर करना, सम अप करना, मतलब इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट इन शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म के अंदर जो है इतने बड़े कंटेंट को सबमिट कर उसको एक्सप्लोर करना और मुश्किल। तो ये जो है आपके ओनली बिकॉज ऑफ प्रेम सिंह, चूँकि मैंने फिल्म पढ़ी थी, स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके बाद में फिर मैं आई लव वर्किंग विद न्यू डायरेक्टर्स, तो प्रेम सिंह से इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद फिर आई केम टू नो कि जो है मेरी बहुत डिपेंडेबल को स्टार जो है, को एक्ट्रेस जो है, मतलब जो NSG की मेरी जूनियर थी वो काम कर रही थी साथ में, तो सारी स्थितियाँ फेवरेबल थी। और ये फिल्म आज एवरीथिंग इज कंटेंट ड्रिवन, आजकल तो हर चीज़ कंटेंट ड्रिवन है। शॉर्ट फिल्म हो, सीरियल सीरीज हो, वेब सीरीज हो, बड़ी फिल्म हो, हर चीज़ कंटेंट ड्रिवन है। तो कंटेंट अगर है तो उसमें ये सारी चीज़ जो है वहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू हुई है, तो उसी ने इसका ये फॉर्म लिया है। तो मेरे ख्याल जिस भी चीज़ में कंटेंट होगा वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगी आज की तारीख में, अदरवाइज स्टार्टअप गया। ऑफर पहले किया जाता है, मतलब स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट प्रेम सिंह खुद आए बोल के कि ये स्क्रिप्ट है आप करेंगे क्या? मैं पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। फर्स्ट थॉट तो ये था कि जो है मतलब इंस्टिंक्ट हुआ कि हाँ इसे करना चाहिए। फिर जब बातचीत करी, इन्हें थोड़ा जाना पहले क्या किया है, तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया हो और बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी हो। उसके बाद वो गट फीलिंग थी, इंस्टिंक्ट था, दैट्स ऑल, उससे मैंने हाँ कर। मजेदार रहा ये, हाँ हाँ, मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का हिस्सा है आपके, उसमें रिलेशनशिप है दो लोगों की, आपस में कैसे हैंडल करते हैं वो, कैसे मतलब आपके काफ़ी बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ा क्योंकि 50 के ऊपर की एज हो चुकी है उनकी, तो ये इमेजिन करना पड़ा ज़िंदगी कैसी बीती होगी उनकी। ये सब करने के बाद में कहीं जाकर आपके मतलब आप ढल पाते हैं इसमें, तो ये इमेजिन करना पड़ा, मतलब पास्ट लाइफ इमेजिन करनी पड़ी, पास्ट लाइफ का बैकग्राउंड बनाना पड़ा, उसके बाद फिर कहीं जाकर तो अच्छा हुआ, अच्छा लगा। मेरी प्रेम से मुलाकात हुई, हम लोग मिले, उसने मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद में मुझे कहानी अच्छी लगी और जिस तरह से वो उसको विजुलाइज कर रहा था तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर हाँ कह ही दिया। तो चैलेंजिंग तो उस तरह से आप कहें तो सारे रोल्स होते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं वो चैलेंजिंग लगता है आपके लिए, नया होता है क्योंकि डिफरेंट होता है। स्लाइस ऑफ लाइफ है डेफिनेटली ये भी, और एक अच्छा किरदार है और एक बहुत छोटे से वक्फे में हम एक बड़ी बात कह रहा है, ये किरदार या दो किरदार एक बड़ी बात सामने लेकर आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कि शॉर्ट फिल्म है और क्या होता है कि आजकल टाइम कम होता जा रहा है लोगों के पास, तो एक शॉर्ट फिल्म एक ऐसा रोल प्ले करता है कि अगर कोई ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा है, बस में भी ट्रैवल कर रहा है, तो फोन पे भी वो सारी उस शॉर्ट कंटेंट को देख सकता है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमें कम टाइम में कम पैसों में ये अपनी बात कहने को। मुझे रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहने के लिए जो सबसे बड़ा जो एक बेसिक इमोशन है जो लव है, वो मैं हमेशा कैरी करना चाहता हूँ कि उससे लोग और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और उसमें आप बहुत बातें कह सकते हैं। तो ये मेरी सेकेंड शॉर्ट फिल्म है, इससे पहले मैंने डायरेक्ट करी थी, तो मुझे लगता है ना कि ये शॉर्ट फिल्म बहुत दिल से बनाई हुई है। एंड अगर शॉर्ट फिल्म की बात करें तो बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है, जहाँ पे हम एक ओल्ड कपल की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक ना फिल्म ऐसी है जिससे
फिल्म है एक ओल्ड कपल के ऊपर, बट सब लोग रिलेट कर सकते हैं. आई थिंक मैरिड कपल जितने भी, आई थिंक आफ्टर टू ईयर्स ऑफ मैरिज यू कैन रिलेट कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. बट और कॉन्फ्लिक्ट भी कोई बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर नहीं होता, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर. आपने फिल्म की अंदर देखें कौन लेफ्ट चलेगा, कौन राइट चलेगा, कौन फ्रिज में बिस्किट रखेगा, बहुत छोटे से माइनर कॉन्फ्लिक्ट हैं. बट कभी कभी ना वो कॉन्फ्लिक्ट से दरारें क्रिएट हो जाती हैं रिलेशनशिप में. उन दरारों का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्यार कम हो गया. कई बार आप प्यार को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है. तो ये फिल्म उसी के बारे में, जहाँ पे आप कई बार शायद अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाते, बट प्यार है. आपको कभी कभी लगने लगता है कि शायद दिस इज़ द एंड ऑफ इट, बट देर इज़ नो एंड टू इट. आप कुछ इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड करने के बाद आप अलग नहीं पाते. प्यार हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में दबा होता है, बट प्यार रहता है. एंड कुछ मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको रियलाइज़ करा देते हैं कि यू स्टिल नीड दैट पर्सन.